फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो, फर्स्ट इज 0 and 4. तो हमें, मैंने क्वेश्चन कॉपी किया 0 4, एक को अल्फा लेना है, लेट अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 4. ठीक है, अल्फा बीटा शायद जानते रहोगे, अल्फा बीटा ग्रीस के ABCD, अल्फा बीटा गामा डेबा. ठीक है, हम लोग इसको सिंबल्स में यूज़ करते हैं हमारे इंडिया में. हमारा जैसा क ख ग है उनके लिए वैसा अ आ ई, वैसा उनका अल्फा बीटा गामा. ऑल राइट, एक को अल्फा लेना है, एक को बीटा, किसी को भी ले सकते हो, अल्फा 4 ले सकते हो, बीटा 0 ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, नो प्रॉब्लम. सबसे पहले हमें सम ऑफ द रूट ढूंढना है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स. हमें इसका इक्वेशन बनाना है, तो इसके लिए हमें पहले सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा करना है, अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा है 0 + 4, 0 + 4 = 4. अल्फा प्लस बीटा करना है, अल्फा प्लस बीटा इज 0 + 4 = 4. और दूसरा क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट. ठीक है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा. देखो खाली इतना भी लिखोगे तो सफिशिएंट है, ये वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट सम है इसलिए मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स के साथ कर रहा हूँ. सो प्रोडक्ट ऑफ 0, 0 × 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, तो 0 × 4 = 0. ऑल राइट, सम ऑफ द रूट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया. द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और रूट दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स, सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, मैंने पहले ही सॉल्व किया, सम ऑफ रूट इज 4, तो 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया 0, 0 = 0. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर 0 का कोई वैल्यू नहीं है लेफ्ट साइड पे, मतलब उधर भी भेजोगे तो 0 - 0 = 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x = 0. यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आंसर, इट्स करेक्ट. एक स्टेप ये भी कर लोगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. मैं एक और सम बताऊँगा, सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, 3 and -10. ठीक है, तो एक को अल्फा कंसिडर करना है, एक को बीटा. लेट एक को अल्फा, लेट अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू -10. ठीक है, एक को अल्फा लिया, एक को बीटा. फिर फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा. अभी हमें वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, सो 3 + -10, यहाँ पे -10 है ना, इसलिए ब्रैकेट यूज़ किया है. ठीक है, सो 3 + -10. नेक्स्ट, 3 - 10 = 7, बड़ा नंबर 10, उसकी साइन माइनस, सो इट्स -7. ठीक है, नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 3 × -10, 3 × -10 कितना होता है, -30. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ठीक है, ये रिक्वायर्ड लिखा है मैंने फास्ट में. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस, ये याद रखना है मेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. ऑल राइट, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, व्हाट इज माय अल्फा प्लस बीटा एक्स, देखो अल्फा प्लस बीटा एक्स क्या है, -7, वो -7x. अब दो माइनस आ रहा है, इसकी भी साइन माइनस है तो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है, -30, तो फिर से ब्रैकेट यूज करेंगे, इक्वल्स टू 0. आई होप समझा. अब ये लास्ट लाइन है, थोड़ा लिखने नहीं जम रहा है, फिर भी लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x, ठीक है, प्लस माइनस -30 = 0. आई होप समझा तुम्हें. बाय दिस आई हैव फिनिश्ड द सम. इजी है, ठीक है. मैं थर्ड सम भी बता रहा हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया है, तो बहुत सारे बच्चे, एक काम करता हूँ, चारों बता देता हूँ, नेक्स्ट टू रूट वाला है वो भी बता देता हूँ. ठीक है, सो फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है 1/2 - 1/2. ठीक है, तो एक को अल्फा लेना है, लेट
अल्फा इक्वल्स टू प्लस हाफ एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, ठीक है, एक को अल्फा कंसिडर किया एक को बीटा। नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है, पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा यानी हाफ प्लस माइनस हाफ, ठीक है। सो इधर नहीं कर रहा हूँ, नीचे ही लिख रहा हूँ। सो हाफ हाफ प्लस माइनस माइनस हाफ, ठीक है। नाउ हाफ माइनस हाफ इज ज़ीरो, हाफ में से हाफ माइनस हुआ ज़ीरो। अगर ये नहीं समझा तो ऐसा भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर कॉमन है वन माइनस वन, सो वन माइनस वन इज ज़ीरो अपॉन टू, दैट इज ज़ीरो। आई होप समझा, हाफ माइनस हाफ डायरेक्ट ज़ीरो लिख सकते हो, जिनको नहीं समझ रहा है डिनोमिनेटर में कॉमन टू लिया और ऊपर वन माइनस वन, वन माइनस वन ज़ीरो अपॉन टू ज़ीरो। नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ, ठीक है, ये राइट में ही जगह तो कर रहा हूँ। वन वन ज़ा वन, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस अपॉन, टू टू ज़ा फोर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस एलसीएम नहीं हो रहा है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वन अपॉन फोर। अल्फ़ा प्लस बीटा भी मिल गया मुझे और अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल गया मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन लिखूंगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो। देखो ये स्टेटमेंट बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग सब एक बार लिख चुका हूँ मैं स्टेटमेंट, तो स्टूडेंट्स दे आर इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे मतलब इतने वो ग्रेड इतने लो ग्रेड के रहते हैं कि उनको ये स्टेटमेंट नहीं समझे, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते सर आप लिखते नहीं हो स्टेटमेंट, सर आप प्रॉपर राइटिंग नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना, वो जो आता है वो नहीं कर रहा है तो फिर क्या बोलना उनको। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, दैट इज ज़ीरो एक्स, अल्फा प्लस बीटा ज़ीरो आया तो ज़ीरो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस वन अपॉन फोर इन ब्रैकेट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर ज़ीरो इंटू एक्स ज़ीरो, तो माइनस ज़ीरो एक्स का कोई वैल्यू नहीं, प्लस सॉरी इधर प्लस माइनस इट्स माइनस, सॉरी मैं पूरा स्टेटमेंट काट के वापस लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ये ज़ीरो इंटू एक्स ज़ीरो हो गया, तो ये माइनस ज़ीरो का कुछ मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस माइनस वन अपॉन फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर किसी को बीच में माइनस ज़ीरो एक्स लिखना है तो लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने ऐसा आंसर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ज़ीरो एक्स माइनस वन अपॉन फोर इक्वल टू ज़ीरो तो भी चलेगा, वरना ये भी चलेगा, ठीक है, बोथ आर राइट, आई होप समझा तुम्हें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ का, सो फोर्थ का फोर्थ वाला, टू माइनस रूट फाइव टू प्लस रूट फाइव, तो पहला लेट एक को अल्फा लेना है, अल्फा इक्वल्स टू टू माइनस रूट फाइव एंड बीटा इक्वल्स टू टू प्लस रूट फाइव, ठीक है, एक को अल्फा कंसिडर किया एक को बीटा, तो पहले सम ऑफ रूट, तो अल्फा प्लस बीटा यानी टू माइनस रूट फाइव प्लस टू प्लस रूट फाइव, ठीक है। अभी ऑल कैन सी प्लस रूट फाइव माइनस रूट फाइव कैंसिल, तो क्या बचा टू प्लस टू, टू प्लस टू कितना होता है फोर, ऑल राइट, सो अल्फा प्लस बीटा इज फोर, और अल्फा इंटू बीटा यानी टू माइनस रूट फाइव इंटू, देखो ब्रैकेट मतलब इंटू होता है, अगर दो टर्म है तो ब्रैकेट डालो मतलब इंटू, ठीक है, और नहीं भी डालना है तो यहाँ डाल सकते। अब यहाँ पे तो फॉर्मूला आ रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप ये फॉर्मूला तुम्हें आता है, देखो मैं वर्किंग में फॉर्मूला बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑल राइट, तो दिस इज़ द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता होगा, ठीक है, सो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू स्क्वायर फोर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, फोर माइनस फाइव माइनस वन, वंस आई गेट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो मैं इक्वेशन फ्रेम करूंगा, देयरफॉर द इक्वेशन इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या मिला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मुझे मिला है फोर और अल्फा इंटू बीटा माइनस वन, तो
तो 4x, अल्फा प्लस बीटा 4 मिला है तो 4x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा मुझे मिला है माइनस 1, तो माइनस है इसके लिए ब्रैकेट, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अल्फा प्लस बीटा 4 है तो ब्रैकेट में भी डालना है तो डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आई गॉट 4, ठीक है, तो वो वहाँ पे पुट किया ब्रैकेट में, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1, तो 4x प्लस माइनस, सॉरी, प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। एक बार और अच्छे से नीचे लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर दिख रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ये ब्रैकेट डाली मैंने तुम्हारे लिए, माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आई होप समझ रहा है तुम्हें, ठीक है। सो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आर गिवन फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है, मीन्स इट इज रिड्यूस फॉर दिस ईयर, ये साल बोर्ड में नहीं आएगा, तो इफ़ यू ऑल वॉन्ट टू डू यू ऑल कैन डू, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा, गिवन बाय सेंटर, ठीक है। सो वी आर जंपिंग टू द 7th क्वेश्चन। द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, इसके रूट्स रियल है और इक्वल है। रियल मतलब, रियल और इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल्स टू 0। मैंने कल पहले ही बताया था फॉर 3 वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, अगर रियल और इक्वल रूट है दैट मीन्स डेल का वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, ऑल राइट। अगर रूट्स रियल और अनइक्वल है, रियल एंड, अगर रूट्स रियल एंड अनइक्वल है तो डेल का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, यानी ग्रेटर देन 0, और अगर डेल का वैल्यू लेस देन 0 आया तो रूट्स आर नॉट रियल, द रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे दिया है रियल एंड इक्वल, दैट मीन्स डेल इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल और इक्वल है, ठीक है, ये इक्वेशन का और ये इक्वेशन का, वी हैव टू फाइंड के, सो इट्स वेरी इजी। सो आई हैव कॉपीड डाउन क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला, 3y² + ky = 12। फर्स्ट स्टेप हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ व्हाट, जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0, where a equals to, a किससे मैच हो रहा है, सॉरी यहाँ पे y है, तो वी आर गोइंग टू राइट ay² आई होप यू ऑल आर गेटिंग, + by + c = 0, ay² + by + c = 0। नाउ कंपेयर करने पे एक इसको मैच हो रहा है 3 को, सो a = 3, b = k एंड c = 12, ठीक है। कंपेयर करने पर a 3 है, b k है और c 12 है, ठीक है। नेक्स्ट द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर, यहाँ पे आर, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, आखिर रूट्स रियल और इक्वल है तो डेल का वैल्यू इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0, ठीक है। सो डेल मीन्स b² - 4ac = 0 रहेगा, b² - 4ac = 0, ठीक है। पेन थोड़ा सा नहीं प्रॉपर है, सेकेंड मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ, पेन प्रॉपर नहीं है, थोड़ा मिस हो रहा, ठीक है। सो डेल इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स b² - 4ac = 0। सो वैल्यू पुट करेंगे b की जगह पर, b = k, सो k² - 4 into what is my a 3 into c 12 = 0। आई होप समझ रहा है तुम्हें, ठीक है। सो k² - 4 3 = 12 12 12 = 144 = 0। नेक्स्ट k² = 144 जंप होके उधर जाएगा तो इट विल बिकम 0 + 144 0 + देखो बैक पेज पीछे कुछ लिखा हुआ है तो उसका शेड आ रहा है, तो आई होप तुम्हें समझ रहा है, ठीक है। ये प्लस है 144 = 0, -144 जंप होके इधर आया, ऑलराइट, दिस इज 1। नेक्स्ट देयरफॉर k² = 0 + 144 = 144, ठीक है। यहाँ से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो अपोजिट साइड पे क्या आएगा, अंडर रूट आएगा और प्लस माइनस 2 साइन आएगा, एज पर रूल यहाँ पे प्लस माइनस आएगा और अंडर रूट 144। यहाँ से स्क्वायर हटाया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट आया, प्लस माइनस 144।
तो के इक्वल्स टू प्लस माइनस 144 का रूट है 12। ऑलराइट, सो वी गॉट टू आंसर फॉर के, के इक्वल्स टू प्लस 12 और के इक्वल्स टू माइनस 12, के इक्वल्स टू प्लस 12 और के इक्वल्स टू माइनस 12। तो बहुत ईजी सम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप समझा, कुछ शेड पीछे के पेजेस का आ रहा है तो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दैट, ठीक है। यहाँ पे कुछ शेड दिख रहा है पीछे के पेज का, तो बट द सम इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट 7th का सेकेंड क्वेश्चन, के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, या 6 को उधर भी भेज सकते हैं बट ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। के एक्स इंटू एक्स इट्स के एक्स स्क्वायर, ठीक है, के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के एक्स इंटू टू टू के एक्स। देखो मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो मेरा के एक्स ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के एक्स इंटू टू टू के एक्स, ठीक है, और ये प्लस 6 बिहाइंड में इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या रहेगा, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से हम लोग कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो वेयर ए इक्वल्स टू, वेयर ए किससे मैच हो रहा है, यॉल कैन सी, ए किससे मैच हो रहा है, के से, तो ए इक्वल्स टू के। बी, बी इक्वल्स टू, बी किससे मैच हो रहा है, माइनस टू के। देखो ए की जगह पे के है, बी की जगह पे माइनस टू के, ठीक है। एंड सी, सी किससे मैच हो रहा है, 6 से, सी इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट द रूट्स आर, क्वेश्चन में दिया है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्वेश्चन में दिया है कि रूट्स रियल और इक्वल है, दैट मीन्स डेल इक्वल्स टू 0 या डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, डेल भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का वैल्यू इक्वल्स टू 0। नाउ बी स्क्वायर, बी, बी, कैन यू सी बी, बी स्क्वायर क्या है, माइनस 2k, बी क्या है, माइनस 2k, तो बी स्क्वायर की जगह आएगा माइनस 2k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए सी ना, तो ए क्या है, के इंटू सी, ए सी 4 ए सी, सो सी की जगह सी का वैल्यू 6 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, बी स्क्वायर की जगह माइनस 2 स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू के इक्वल्स इंटू 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 2 स्क्वायर 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हुआ, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हुआ, और के का स्क्वायर के स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो फाइनल साइन माइनस आएगी, 4 6 जा 24 इंटू के, सॉरी 24 के, ठीक है, 24 के कहाँ से आया, 24, 4 6 जा 24, 4 इंटू के 4 के, 4 के इंटू 6 24 के। आई होप समझा, इक्वल्स टू 0, थोड़ा नीट नहीं दिख रहा है, वापस नीचे लिख रहा हूँ, 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 के, ठीक है, 24 के इक्वल्स टू 0। आई होप समझा तुम्हें। नेक्स्ट 24 के जंप होके उधर चले जाएगा, माइनस 24 के उधर जाएगा, तो इट विल बिकम, सो 4 के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 24 के, 0 के उस साइड गया तो इट विल बिकम प्लस 0 प्लस 24 के, माइनस 24 के जंप होके उधर गया तो 0 प्लस 24 के, दैट इज 24 के। नेक्स्ट के एक से डिवाइड होगा नंबर नंबर से, सो के स्क्वायर, ये के क्रॉस होके के स्क्वायर के नीचे आएगा, ये केस के क्रॉस होके के स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आएगा और 4 क्रॉस होके 24 के डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक के कैंसिल, 4 वन जा 4 सिक्स जा, सो आई गॉट के, इधर के स्क्वायर था ना, तो एक के गया खाली एक के बचा, इक्वल्स टू 4 वन जा 4 सिक्स जा 6, तो आंसर इज के इक्वल टू 6। इट्स वेरी ईजी, बहुत ईजी है, यू ऑल कैन ईजली डू। By this, I have completed practice set 2.5. Question 5th और 6th self-study के लिए दिया गया है. Self-study means, ये साल, it is reduced for this year. ये साल exam में नहीं पूछेंगे. ठीक है? इसको इन्होंने self-study कहा है. मैंने नहीं किया है. This is from Boda. ठीक है? मैंने सिर्फ mark किया है. So, I hope समझा question 7th.
और क्वेश्चन फोर्थ. बाय दिस आई फिनिश प्रैक्टिस सेट 2.5. नेक्स्ट इज माय प्रैक्टिस सेट 2.6, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स.